अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया बासी। आप सबका क्या हाल है? मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको से तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं आलू और अंडे की चिप्स बनाने लगी हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इनको छील लिया और धो लिया है धो के। तो अब इसको इस तरह से कुछ कटिंग करनी है इसकी। ये देखें, मैंने सारी जो चिप्स है मैंने काट ली हैं। इस तरह के आलू काटे हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने, बारीक बारीक। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें क्या डालना है, 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है ये डाल देना है। और एक छोटी प्याली ये चावल का आटा है, नमक हसबे जायका जितना आप इस्तेमाल करते हैं, रेड मिर्च पाउडर 1 चम्मच और एक अंडा। अब मैंने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। तो ये सारा मैंने जो लगाया था, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, आलू उको और अंडा जो लगाया था, वो सारा मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि हमारी जो चिप्स है वो इसके साथ चिपके ना। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब हमने इसके अंदर ये जो चिप्स है ये सारी इसके अंदर डाल देनी है, बस इसी तरीके से। दो 3 मिनट के बाद हमारी चिप्स तैयार हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें हमारा जो कलर कितना खूबसूरत आ रहा है चिप्स का, ज़बरदस्त आ रहा है। ये कॉर्नफ्लोर और जो चावल का आटा है ये चिप्स को जूसी और क्रिस्पी करता है। तो ये बेसन तो अमूमन लगाया जाता है, लेकिन चावल का जो आटा और कॉर्नफ्लोर है ये कम लोग लगाते हैं। आप भी लगा के देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो दूसरा ये कि नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, उसको स्किप ना किया करें। तो फिर ही पता चलता है कि जो चीज़ हम तैयार करते हैं वो कैसे बनती है। तो ये देखें, हम चिप्स हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ज़बरदस्त क्रिस्पी और जूसी क्रिस्प बिल्कुल है चिप्स। ये देखें का कलर आप खुद ही देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो जी हमारी चिप्स ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर लेमन निचोड़ के इसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी अपने बच्चों को बना कर दें और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बल्कि बड़े भी बहुत खुश होंगे। तो इसी के साथ ही मारिया बासी को इजाज़त दें। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।